दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म में चरण स्पर्श यानी कि पैर छूने का रिवाज काफी पुराना है, लेकिन वक्त के साथ आज यह काफी कम हो गया है। आज नई पीढ़ी के बच्चे, बहुत कम बच्चे अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप आज की पीढ़ी में संस्कार दे रहे हैं और वो बच्चे पैर छूते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो पैर छूते हैं। सही मायने में पैर छूने से केवल आपको बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि शरीर को भी इसका फायदा मिलता है। विज्ञान में इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि चरण स्पर्श के पीछे का विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पैर छूने को आस्था और संस्कार की श्रेणी में गिना जाता है। यहाँ पर छोटे लोग अपने से बड़े उम्र में जो बड़े लोग हैं उनके पैर छूते हैं। इसे बड़ों का सम्मान करने की नजर से भी देखा जाता है, बल्कि मुख्य रूप से इसे बड़ों का सम्मान करने की नजर से ही देखा जाता है। पैर छूने वाले ने अपना अहम अपने से बड़ों के पैरों में त्याग दिया, ये माना जाता है। चरण स्पर्श के पीछे चौंकाने वाला वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है, जो इंसान के शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रक्रिया से दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ और पैर आपस में स्पर्श होते हैं तो एक सर्किट बनता है। ऐसे में इस सर्किट के माध्यम से शरीर दोनों के शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का आदान प्रदान काफी तेज होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही शामिल होती है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक बाएं पैर की ओर से नेगेटिव एनर्जी और दाएं पैर की ओर से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, या फिर कहें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पैर है उससे नेगेटिव एनर्जी और जो राइट हैंड साइड का जो पैर है उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ऐसे में जरूरी है कि आज की नई पीढ़ी के बच्चों को चरण स्पर्श करने की सही कला जरूर सिखानी चाहिए। जिस सबसे खास बात यह है कि पैर छूने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने से कमर और रीढ़ को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने से शरीर के जोड़ों पर जोर पड़ता है और दर्द दूर होता है। वहीं साष्टांग प्रणाम यानी कि जमीन में पूरा लेटकर पैर छूने से अहंकार तो खत्म होता ही है, साथ ही आंखों को भी आराम मिलता है। इसके अलावा आपका जो सर होता है उसमें जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो काफी अच्छे से होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय